श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दीपक जलाते समय हमें कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। एक्चुअली में नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग भगवान की पूजा पाठ करते हैं और दीपक अगरबत्ती जला के और भगवान का कोई मंत्र ऐसे पढ़ देते हैं बस। और दीपक जलाते समय जो मंत्र बोला जाता है वो तो हम लोग बोलते ही नहीं हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे और हम आपको दीपक जलाते समय जो मंत्र बोला जाता है वो बताएंगे, साथ में हम उसका हिंदी में उच्चारण भी बताएंगे और उसके साथ दीपक के साथ जुड़ी हुई सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा धर्म, जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसमें कोई भी ऐसी पूजा पाठ नहीं है जो बिना दीपक जलाए पूरी हो जाए। हम पहले भगवान की पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद फिर दीपक अगरबत्ती साथ में धूप बत्ती जला के फिर भगवान की आरती पूजा वो सब भी साथ करते हैं, तभी हमारी पूजा सफल मानी जाती है। और क्या आप सभी को पता है कि सुबह और शाम दीपक क्यों जलाया जाता है, उससे क्या होता है? तो हम आपको बताते हैं कि सुबह और शाम दीपक जलाने से हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि, धन, वैभव की कभी कमी नहीं होती, वो हमेशा बनी रहती है। इसके साथ ही घर में दिया जलाने से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती है और चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जाएं बनी रहती हैं हमेशा, क्योंकि दीपक की रोशनी से ना घर की नेगेटिविटी जो होती है, नकारात्मकता जो होती है, वो दूर हो जाती है और घर में निरोगी घर होता है, बीमारियों का वास नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं कि दीपक जलाते समय क्या बोलना चाहिए, साथ ही जानेंगे कि दिया जलाने का सही नियम क्या होता है। तो हमारे साथ वीडियो में आगे बने रहिए और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो तो होगा नहीं, सिर्फ 3-4 मिनट का ही तो वीडियो रहता है, तो प्लीज़ उसको स्किप करके मत देखिएगा, आराम से पूरा देखिएगा। तभी आपको मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ, दीपक से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ स्पष्ट रूप से अच्छे से समझ पाएंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप वैसा करेंगे भी। तो हमारा वो मंत्र है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। हमें इसी मंत्र का जाप करना चाहिए दीपक को जलाते समय, दीप प्रज्वलित करते समय। तो चलिए अब हम आपको इसका अर्थ हिंदी में बताते हैं। इस मंत्र का अर्थ है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को मेरा प्रणाम है, मेरा बार बार प्रणाम है। तो यही वो मंत्र है जो हमें दीपक प्रज्वलित करते समय बोलना चाहिए। संस्कृत में बोलिए, इसका हिंदी अर्थ भी आप जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसके लिए मैंने आपको इसका हिंदी अर्थ भी बता दिया है। तो चलिए और भी जानकारी देते हैं आपको। तो कई बार पूजा पाठ करते समय हमारे मन में ये सवाल उठता है कई बार कि हम दीपक को भगवान की मूर्ति के सामने एकदम जस्ट सामने रखें कि थोड़ा सा उसको साइड करके रखें कि भगवान की मूर्ति के पीछे करके रखें, अपनी तरफ करके रखें। तो आज हम आपका ये डाउट क्लियर कर देते हैं। पूजा करते समय दीपक को देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीर के सामने ही रखना चाहिए। हमें प्रतिदिन, रोज़ प्रतिदिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार के पास रोज़ाना एक दिया जरूर जलाना चाहिए। इससे हमारे घर में लक्ष्मी की, धन संपदा, वैभव की कभी कमी नहीं होगी और हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो हमें शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक, आपके पास सरसों के तेल का दीपक आप जलाना चाहते हैं तो सरसों के तेल का दीपक जलाइए, घी का दीपक जलाना चाहते हैं तो घी का दीपक जलाइए। वैसे लक्ष्मी के लिए घी का दीपक ही जलाया जाता है लंबी बाती का, तो घी का दीपक आप जलाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए तेल का और घी का दीपक जलाते समय, अगर घी का दीपक जला रहे हैं तो उसे अपने बाएं ओर रखें और तेल का, यदि आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसे अपने दाएं तरफ रखें घर के मुख्य द्वार के सामने, तो इससे लक्ष्मी माता बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी। कहते हैं कि मंदिर में दीपक को पश्चिम की तरफ कभी भी नहीं रखना चाहिए और
दिया कभी भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमें खंडित दिया कभी भी नहीं जलाना चाहिए, उसमें दीपक कभी भी नहीं जलाना चाहिए। और हाँ, साथ ही में हमें एक और बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि तेल वाले दीपक में लाल बाती और घी के दीपक में सफ़ेद रुई की बाती ही रखें। तो ये थी आज की हमारी जानकारी। आई होप कि मैंने दीपक से जुड़ी हुई सब बातें आपको बता दी होंगी, और अगर आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूँगी। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।